hours after assuming the charge in his first order as the Chief Minister of Madhya Pradesh. Mohan Yadav makes some big decisions. He proposed a ban on meat sale in open and ban on loudspeakers at religious gatherings and public places at a volume exceeding the prescribed limits across the state during his first cabinet meeting. The state government has also decided to form flying squads in all districts to check noise pollution and illegal use of loudspeakers. Let's in fact listen in to what new CM of MP has to say. खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। दो तीन चार बड़े वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में जिसके माध्यम से दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना ये सरकार भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना हो उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए कैसे करना है क्या करना है उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाले। Course, you heard it. Meanwhile, my colleague Chetan Seth joins us on the broadcast to give us more on this. Chetan, over to you. बिल्कुल, देखिए जैसे कल पहली कैबिनेट की बैठक ली है डॉक्टर मोहन यादव ने और उसके पहली कैबिनेट की बैठक में तमाम निर्णय लिए हैं जिसमें सबसे बड़ा निर्णय लाउड स्पीकर पर मध्य प्रदेश में रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि लाउड स्पीकर से शोर के लिए इंसान परेशान होता है, उनकी नींद संवाद और व्यवधान आते हैं, ब्लड प्रेशर बड़ी चुनौती है, मानसिक तनाव लोगों को बढ़ते हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि इनको बंद करने के साथ साथ एक उड़नदस्ता को गठन करने का फैसला लिया है। ये उड़नदस्ता पूरे प्रदेश भर में एक दौरे करेगा और उसकी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगा। धर्म गुरुओं से बात की जाएगी कि उनकी कोई शिकायत तो नहीं है। इसके साथ ही मांस और मछली और अंडे पर भी रोक लगाई गई है। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही अब मांस मछली और अंडा मध्य प्रदेश में बेचे जा सकेंगे। अमूमन देखा जाता है कि खुले में ये सब चीजें बेची जाती हैं, अब खुले में पूरी तरीके से सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि इसको जो नियम है नियम के दायरे में भी अब बेचा जा सकेगा। जिस तरीके से सबसे पहले इस तरह के जो निर्णय है वो योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लिए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद अब मोहन यादव ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शाम को जो है कैबिनेट की बैठक ली तो उसमें तमाम इस तरह के निर्णय लिए थे नजर आए। जी चेतन, विद दैट आई लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एंड शेयरिंग दोज डिटेल्स विद आवर व्यूअर्स। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।